वेलकम टू इनडेप्थ फार्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोबियन प्लस टैबलेट के बारे में। न्यूरोबियन सीरीज़ की दूसरी दवाओं यानी न्यूरोबियन फोर्ट और न्यूरोबियन इंजेक्शन के बारे में जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड स्क्रीन पर टैप कर सकते हैं। सबसे पहले इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो पहले इसे मर्क कंपनी बनाती थी, लेकिन अब इसे PNG यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी बनाती है। इसका प्राइस मई 2022 में 104 रुपये है। 104 रुपये में 10 टैबलेट का एक पैक आता है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में इसके प्राइस में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, और ऑनलाइन मेडिसिन की किसी वेबसाइट से इसे 95 रुपये में भी खरीदा जा सकता है। अब इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें मेकोबालामिन यानी विटामिन B12 750 माइक्रोग्राम, पैराडॉक्सिन यानी विटामिन B6 1.5 मिलीग्राम और निकोटिनेमाइड यानी विटामिन B3 45 मिलीग्राम है। न्यूरोबियन प्लस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हेल्थ सप्लीमेंट है। अब जान लेते हैं कि इसे किन मेडिकल कंडीशन में उपयोग किया जाता है। तो न्यूरोबियन प्लस के तीनों कंपोनेंट सबसे पहले पूरे शरीर की नसों पर बहुत अच्छा काम करते हैं। ये नसों को रिलैक्स करते हैं, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ाने में सहायता करते हैं जो कि एनीमिया की बीमारी में बहुत काम आता है, और इन्हें कई दूसरी हेल्थ कंडीशन में भी उपयोग किया जाता है, जैसे नसों में दर्द होना, खासकर साइटिका जैसी बीमारियों का दर्द, हाथ पैरों में झंझनाहट होना। जिन लोगों का हाथ या पैर दबाने से तुरंत झंझनाहट शुरू हो जाती है उनमें ये टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। मांसपेशियों की जकड़न, शरीर के किसी भी अंग का सुन्न पड़ना, विटामिन B3 की कमी और डायबिटिक न्यूरोपैथी। जब डायबिटीज़ वाले लोगों के हाथ या पैरों की नसें कमज़ोर हो जाती है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस, साथ ही नसों में जमा हुआ फैट या क्लॉग्ड आर्टरीज़ को खोलने में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी हार्ट की प्रॉब्लम्स में कई डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा विटामिन बी के सप्लीमेंट की तरह हीमोग्लोबिन कम होने पर, मसल्स मास कम होने पर यानी मांसपेशियों की कमजोरी और थकान को रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बालों और नाखूनों की टूट फूट या फिर कमजोरी और बार बार मूड स्विंग होने की समस्या में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही आपने देखा होगा कि ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट के अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो ये थे इसके सामान्य उपयोग। यदि किसी खास कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाना है तो उससे पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। यूजेस के बाद अब इसकी डोज की बात की जाए तो सामान्य स्थितियों में एक दिन में केवल एक टैबलेट खाने के बाद लेनी होती है। कोशिश करें कि इसे रात के खाने के बाद लें। डोजेस के बाद अब प्रिकॉशंस की बात की जाए तो ये टैबलेट बच्चों के लिए नहीं है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ इसे लेने से पहले डॉक्टर से बात ज़रूर करें। इनफेक्ट ऐसी लेडीज़ को कोई भी नई दवा लेने से पहले डॉक्टर से बात ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को इसके किसी कंपोनेंट से एलर्जी है या फिर कोई हाइपर सेंसिटिव है तो ऐसे लोग भी इस टैबलेट को बिल्कुल नहीं लेंगे। और याद रखें कि इसकी डबल डोज बिल्कुल नहीं लेनी है, एक दिन में केवल एक ही टैबलेट काफ़ी है। साथ ही इसके उपयोग के दौरान शराब नहीं पीनी है, और यदि किसी को किडनी या लीवर की बीमारी है या सांस लेने में तकलीफ है या फिर स्टमक अल्सर है तो भी इस टैबलेट को नहीं लेना है। प्रिकॉशंस के बाद अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो नॉर्मली इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक हेल्थ सप्लीमेंट है और निर्धारित मात्रा यानी एक दिन में एक टैबलेट लेने पर ज़्यादातर लोगों में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है। फिर भी कुछ लोगों में एलर्जी, सीने में जलन, नसों का सुन्न होना, डायरिया, थकान, उल्टी, चक्कर, खुजली, मुंह का स्वाद बदलना, सिरदर्द, फाइब्रोसिस, चेहरे पर जकड़न और शरीर पर रैशेस पड़ने जैसे साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। और यदि इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा हो तो सिंपली इस टैबलेट को लेना बंद कर दें। साइड इफ़ेक्ट्स के बाद अब उन दवाओं की लिस्ट पर एक नज़र डालिए जिनके साथ न्यूरोबियन प्लस टैबलेट रिएक्शन कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी न्यूरोबियन सीरीज की तीसरी मेडिसिन यानी न्यूरोबियन प्लस की वो जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।